राज्यसभा की 56 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। 3 राज्य यूपी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की 15 सीटों के लिए आज मतदान होना है। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के संख्या बल के आधार पर जितनी सीटों पर जीत सुनिश्चित है उनके मुकाबले अतिरिक्त उम्मीदवार उतार दिए हैं। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक की 4 सीटों के लिए 5 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों के चुनाव में नंबर गेम कांग्रेस के 3 उम्मीदवार की जीत के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर गठबंधन ने 2 उम्मीदवार उतारकर 1 सीट पर पेच फंसा दिया है। बीजेपी और जेडीएस भी अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही है। सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को भी क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है।